सुनील, क्या बात? बार 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 फोन करके इतनी रात को मुझे यहाँ बुला लिया। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सर, क्या बताना चाहते हो? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप तो इस बिल्डिंग में प्रेस को रिनोवेट करके शुरू करना चाहते हैं ना सर? हाँ। इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। गड़बड़ यहाँ नहीं, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है। सारी वायरिंग्स बदल दी गई है, सारे परमिशंस मिल गए हैं, गड़बड़ क्या हो सकता है? कोई है सर वहाँ पर? कौन है? कोई आत्मा। क्या है? क्या है ये? कौन है ये? कोई प्रॉब्लम है मिस्टर सुनील? क्या क्या कौन है? सर, हुआ कोई है सर? कौन है? सर, मैं जा रहा हूँ सर। कहाँ कोई है? सुनील, सर मैं नहीं रुकूंगा सर। सर मैं जा रहा हूँ सर। कौन है वहां? कोई भी तो नहीं। ये सुनील पागल हो गया है क्या? अपने आप कैसे शुरू हो गई? कौन कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा, खबर छाप रहा हूं। प्रिंटिंग प्रेस अभी शुरू नहीं हुई है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? प्रेस तो चालू हो गई डीके साहब, अब इस खबर को छपने से कोई नहीं रोक सकता। की ताजा खबर देखोगे? ये क्या है? ये सब क्या बकवास है? मेरी मौत की खबर, अरे मैं क्यों मारूंगा? Oh!
सब्जी 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 सब्जी। अरे ये तो डीके सेठ है, इस प्रेस के मालिक। मौत का अखबार लौट आया है, खबरें फिर छपनी शुरू हो गई हैं। अब उन सबको कौन बचाएगा? डैड गुड मॉर्निंग। डैड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। कॉलेज इतनी जल्दी? हाँ डैड, वो आज मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो आई हैव टू रश। गुड, मेरी गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। ओके डैड, यू टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हरी हरी आया मैम। अरे जल्दी चलो, एग्जाम्स के लिए लेट हो जाऊंगी। जी मैम। बाय पापा। बाय बेटा, हैव अ गुड डे। सेम नॉनसेंस स्टफ। हीरो का कुत्ता भाग गया, हीरोइन के पेट में दर्द है। ऑल सेम नॉनसेंस। ये इन जर्नलिस्ट को क्या हो गया? सेम न्यूज एवरीवेयर। की खबर? आरे प्रेस मीडिया, ये कैसे हो सकता है? ये दोबारा कैसे छप सकता है? किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। मेरा फोटो? कल प्रातःकाल 10 बजे प्रसिद्ध उद्योगपति केसरी लाल ने की आत्महत्या। ये तो कल की तारीख है। मैं क्यों मारूंगा अपने आप को? मैं क्यों आत्महत्या करूंगा? 10 तो बजने वाले हैं। हेलो 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 अनीश। हाँ हाँ बोलो अनीश। वो फिर आ गए। कौन? वो फिर आ गए। क्या हुआ केसरी, कौन वापस आ गया? क्या बोल रहा है तू? खून की खबर अनीश, खून की खबर। खून की खबर? हाँ। इतने सालों बाद ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, मेरे घर आज न्यूज़पेपर आया है कल की डेट का। उसमें लिखा है मैं आज आत्महत्या करने वाला हूँ। अनीश मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। केसरी कुछ नहीं होगा तुझे, डर मत। समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेपर दोबारा कैसे आ सकता है, प्रिंटिंग प्रेस तो। अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तेरे पास तो कोई अखबार नहीं आया ना? नहीं, पर तू भी रिस्क मत ले, घर से निकल अभी क्या भी और यहाँ जा मेरे घर, समझा? हाँ, हाँ। मेरे पास है, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं।
स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? इसे भी अभी बंद होना था। आज की ताज़ा खबर मशहूर उद्योगपति केसरी लाल ने किया आत्महत्या, ये देखिए। सब मैडम प्लीज मैडम प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। हाँ मैं छोड़ देती हूँ। प्लीज जल्दी चलिए। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं मैडम प्लीज थोड़ा तेज चलाइए, मुझे 10 बजे से पहले कहीं पहुंचना है। हाँ मैं तेज चलाती हूँ। अरे ये क्या, तुम तो वापस मुझे मेरे ही घर पे ले आई। आज तुम कहीं नहीं जा सकते केसरीलाल, तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है। अरिया देवीलाल कहाँ मर गए सब? मरूंगा नहीं मैं। बेटा हिम्मत नहीं हारते, संभालो खुद को। सोनिया अनिशा अंकल देखिए ना पापा को क्या हो गया। पता नहीं अंकल पापा को कैसे क्या हो गया। सोनिया बेटा अपने आप को संभालो बस। आंटी वो सुबह ठीक थे, मैं कॉलेज की वो बिल्कुल I can understand. Stop crying, बेटा। बेबी जी। क्या हुआ? ये देखिए, ये आज मुझे कार्टन में मिला, अभी। पापा की मौत की खबर न्यूज़पेपर में। भाई साहब की मौत की खबर उनके मरने से पहले कैसे छप सकती है? क्या? हाँ
ये देखो कल की डेट छपी हुई है। नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता अंकल, बताइए क्या नहीं हो सकता अंकल? अनीश, क्या नहीं हो सकता? तुम क्या बोल रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अनीश मनवा, चलो हा? चलो यहां से अंकल। कहाँ लेकर आए हो अनीश? कौन सी जगह है ये? कुछ बताते क्यों नहीं? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ ये प्रेस फिर से कैसे शुरू होगी। मतलब? चलो। क्या हुआ साहब? इतने सालों बाद अपनी खबर छपवाने आए हैं क्या? तुम अब भी यहीं हो? मैं कहाँ जाऊंगा साहब, एक बार जहां का हो गया वहीं का होकर रह गया। बस यहीं रहकर सबकी खबरें पढ़ता रहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो अनीश? कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है? अनीश छोड़ो उसे, छोड़ो। क्या हो गया है तुम्हें? इस प्रेस में कोई खबर नहीं छप सकती, सब खत्म हो गया सालों पहले। सब खबरें तो छपेंगी और छपती रहेंगी, अगर यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। यहां तो अभी सब बंद है, फिर खबर कैसे छप सकती है? तुम कहां लेकर आए हो अनीश? किसकी प्रेस है ये? मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मनवा चलो, चलो यहां से। कहां जा रहे हैं साहब? पेपर तो पढ़कर जाइए। खूनी खबर लौट आई है, आज की ताजा खबर, बस छपने ही वाली है। चलो यहाँ से चलते, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, प्लीज चलो यहाँ से। नहीं मनवा, मैं देख के रहूंगा कि ये खूनी खबर छाप कौन रहा है। केसरी लाल को बाहर तुमने भेजा था ना? बंद कर टाइपिंग।
बंद कर टाइपिंग। एक नई राह खबर छाप रहा हूं। तुम मनवा, मनवा भागो, मनवा यहां से चलो, भागो, निकलो यहां से। ये क्या हो रहा है अनीश? नहीं मनवा, मनवा मुझे मरना नहीं है, चलो भागो यहां से, चलो, चलो। ये प्रेस, यही वो जगह है जहां मेरे पापा की मौत का रहस्य खुल सकता है। कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है वहां? बोलते क्यों नहीं? मैं पूछो कौन है वहां? चली जाओ, चली जाओ यहां से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे जानना है कि मेरे डैड की मौत की खबर इस पेपर में कैसे छपी, और जब तक मैं ये नहीं जानूंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। जानना चाहती हो तो जाओ, उस अनीश से पूछो कि मौत की खबर क्यों छप रही है। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जाओ, चली जाओ। प्लीज टेल मी अनीश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे सच सच बताओ, वहां हमने जिसे देखा वो एक आत्मा थी ना? अनीश हम वहां क्यों गए थे? अरे मुझे क्या छुपा रहे हैं? बताओ अनीश, कुछ तो बोलो। मनवा, अभी अभी कुछ मत पूछो, हमें हमें यहां से निकलना है, हमें हमें निकलना है। हेलो पापा, पापा मैं और मनवा यहां से निकल चुके हैं जी, मैंने फ्लाइट की टिकट कर ली। पापा प्लीज अभी कुछ मत पूछिए, प्लीज मैं आके सब। इस वक्त कौन हो सकता है अनीश? तुम रुको, मैं देखता हूं।
खून की खबर, पत्नी ने की मशहूर पत्रकार अनीश की हत्या। रात 8 बजे हुआ यह हत्याकांड। अनीश, क्या हुआ अनीश? अनीश, इस पर कल की डेट है, मतलब ये आज होने वाला है। क्यों घबरा रहे हो? दूर हो। क्या लिखा है इस न्यूज़पेपर में? मेरे पास मत आना, तू दूर हो। अरे तुम ऐसे क्यों भी है? तुम मुझे मार दोगी, तुम मेरा खून कर दोगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं क्यों मारूंगी? दूर हो मुझसे। अनीश, चलो हम लोग भी निकलते हैं। सब लोग चले गए, 8 बजने वाले हैं। बस यार कंप्यूटर शट डाउन कर लूं, फिर निकलते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आप यहाँ पे? तुम दोनों इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? बस सर हम ऑफिस बंद करके निकल ही रहे थे। ऑफिस मैं बंद कर दूंगा, तुम निकलो। ये सर को क्या हो गया? पता नहीं यार, अजीब टेंशन में लग रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वो आ जाएगी, तू जा यहाँ से, निकल। कौन आ जाएगी? किसकी बात कर रहा है तू? कुछ हुआ है क्या? पर तुम इतने डरे हुए क्यों? कुछ बताओ क्या हुआ? ये देख पड़े से, आज 8 बजे मेरा खून होने वाला है। मेरी बीवी मुझे मार देगी, इसलिए मैं डर के यहाँ आ गया। मुझे उसके हाथों नहीं मरना। तू जा, मुझे दरवाजा लॉक करना है। तू जा। तुम ये क्या कह रहे हो? देखो कोई भी अखबार वाला ऐसे भविष्य नहीं बता सकता है। कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। रिलैक्स हो जाओ, चलो घर चलते हैं। छो मत मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मरना नहीं है। तुम जाओ, तुम निकलो। अरे अनीश, क्या चल, निकल यहां से। मिनट बाकी। अनीश कहाँ हो तुम? ये यहां कैसे आ गई? अनीश कहाँ हो तुम? से प्यार नहीं करती, तुम मुझे मारना चाहती हो। अनीश, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें क्यों मारूंगी? अनीश, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर नहीं जाऊंगी। दरवाजा खोलो अनीश। अनीश, अनीश मुझे डर लग रहा है। अनीश, दरवाजा खोलो। अनीश Thank you.
अनीश, आई लव यू अनीश। मैं तुम्हें क्यों मारूं? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ, चलो। मनवा, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं कहीं नहीं जाएंगे, आओ आओ मेरे साथ। मनवा, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मरना नहीं है मनवा, मुझे बहुत डर लग रहा है मनवा, मुझे मरना नहीं है। कुछ नहीं होगा अनीश। मनवा, मुझे मुझे मरना नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम हो ना? हाँ, हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। मनवा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मनवा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम रहोगे ना मेरे साथ? हाँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। अनीश, तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मनवा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर देना मनवा। मैं किस बात की माफी मांगती हूँ अनीश? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा, कैसे? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अनीश। तुम्हें जाना होगा मनवा, अगर मुझे जीना है तो तुम्हें मरना होगा मनवा। अनीश, यू हर्टिंग मी। अनीश, हाथ हटा। खबर सिर्फ सच्ची खबरें छापता है अनीश, तेरी मौत छप चुकी थी। मरना तो तुझे था ही, पहले केसरी और अब तू, कल कोई और मरेगा, एक एक करके तेरा सारा खानदान खत्म कर देंगे हम। सबकी खबर छपेगी, सब मरेंगे, अब ये अखबार कभी बंद नहीं होगा। तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे बचा लीजिए। मैं मानना नहीं चाहती, प्लीज। उसने मेरे डैड और अनीश अंकल को जान से मार दिया। मैं अपने मौत की खबर छपने से रोकना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज। खूनी खबर को छपने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना, अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बिल्डिंग को जला दूंगी, इस प्रेस को खत्म कर दूंगी। खबर बनने से पहले ही आ गए, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। यही है ना वो प्रिंटिंग प्रेस जिसने मेरे पापा की जान ली, जिसने अनीश अंकल को मार दिया। मैं इस प्रिंटिंग प्रेस को खत्म कर दूंगी, इसे जड़ से मिटा दूंगी। रुको, प्रेस को हाथ मत लगाना। ये पता है आपको, इस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सब कुछ पता है। इसने मेरे पापा को मारा, मेरे अनीश अंकल को मुझसे छीन लिया। आप मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ? जानना चाहती हो तो सुनो,
आज से कई साल पहले ये नील कमल पब्लिकेशन नहीं था, आर्य पब्लिकेशन था। तीन लोग इसके मालिक थे, अनिल, दीपक और कोनिका। तीनों पत्रकार, काम कुछ चल नहीं रहा था तो तीनों ने एक अजीब सा रास्ता चुना, खूनी खबर नाम का अखबार छापना शुरू किया। ये अखबार लोगों की मौत और घातक दुर्घटनाओं के होने से पहले ही छाप देता था। तीनों ने मिलकर गलत काम करना शुरू किया ताकि खबर बने और वो उसे छाप सके। पर इन सब चीजों से मेरे डैड का क्या लेना देना? उन्हें क्यों मारा? केसरी लाल और अनीस भी उसी आर्य पब्लिकेशन में काम करते थे। जब उन्हें इन तीनों के बारे में पता चला तो उन्होंने इन्हें रोकना चाहा, पर वो कहां रुकने वाले थे। ये देखो दीदी, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। धमाल हो जाएगा, तहलका मच जाएगा। अरे साहब, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे साहब रुकिए ना, अरे साहब मेरी बात तो सुनिए। तू भी मिला हुआ क्या लोगों से? साहब, अरे तुम लोगों की असलियत पता चल गई। बंद करो ये अखबार छापना, हो गया बहुत। ये अखबार छापना बंद करो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? केसरी लाल और अनीस की धमकी के बाद उन तीनों ने केसरी लाल और अनीस को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। वो तीनों इन दोनों को मारे। केसरी लाल और अनीस ने प्रिंटिंग प्रेस को जला दिया, ये सोचकर कि जब प्रिंटिंग प्रेस जलकर राख हो जाएगा तो उसके साथ ही ये खूनी खबर छपना भी बंद हो जाएगा। लेकिन केसरी लाल और अनीस को ये नहीं मालूम था कि जब प्रेस को आग लगाई तो वो तीनों प्रेस के अंदर ही थे। प्रेस के साथ साथ वो तीनों भी आग में झुलस कर दर्दनाक मौत मारे गए। और जब डीके ने इस प्रेस को खरीद कर फिर से चालू करवाया तो वो तीनों वापस आ गए और पुणे खबर के छपने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। ये सब जानते हुए भी आप इतने साल यहाँ क्यों रुके रहे? आपने कुछ किया क्यों नहीं? करते कैसे? मरने वाले तीन लोग नहीं, चार लोग थे। चौथा तुम्हारा वक्त आ चुका है। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.